किधर जा रहा है? अरे ये पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं कि नीचे? भाई ऊपर की नीचे? ऊपर नीचे? ये पार्टिकल्स कहाँ जा रहे हैं? ये वाले। अब ऐसे जम नहीं आता इसका मतलब। तुम्हें ऐसे इतना धीरे धीरे पढ़ाया, ढंग से पढ़ाया, तो भी तुम गजड़ों की वाली हरकतें कर रहे हो। ये पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं? अगर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री किसी की इक्वेशन लिखी हुई है तो क्या कहां जाएंगे वो पार्टिकल? रहेगा अगर ऐसे जम इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय थ्री पार्टिकल कहां जाएगा? खड़ा पार्टिकल। ऊपर जाएगा पार्टिकल ऐसे ना मेगा डी प्लस बाय थ्री पे। कहां जाएगा? नीचे जाएगा। कर रहे हो यार, इतना ढंग से एसएसएम पढ़ा उसमें भी रो रहे हो तुम लोग। ऊपर नीचे जाएगा पार्टिकल। मतलब नहीं, तुम क्या चाहते हो? और कितना स्लो पढ़ा है? मतलब इस बैच में भी मतलब कितना स्लो पढ़ा है? और एसएसएम पढ़ाया था, बोला था नहीं बोला था कि बिना एसएसएम के वेव समझ में नहीं आएगी? फिर आपको आना चाहिए। एक साइड ओमेगा टी प्लस फाइव बाय थ्री का पार्टिकल किधर जाएगा पता नहीं है आपको? मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये साइज, अबे ये क्या होता है? ये तो एम्पलीट्यूड है ना पूरा। yes, इसे क्या लेना है? ये बता नहीं सकते पार्टिकल कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये बेवजह बात कर रहे हो। अननेसेसरी लेक्चर स्लो कर देते हो। मैं सोचता गुस्सा नहीं लाऊं, पता जैसे क्यों बोला है, क्यों पूछा देर से? सो रहा था तू पूरी क्लास। अभी तू झापड़ लगाऊंगा ना जोर से। ये फेज तो डिसाइड कर ले, कुछ भी फेज हो सकता है ये, इट कैन बी एनीथिंग। अगर आपको ये पूरी इक्वेशन पता है तो आपके लिए बनाना कोई खास बात दिख रही वेव, ये रही वेव लो। बल्कि उल्टा पूछना चाहिए मुझे आपसे सवाल, उल्टा पूछना चाहिए। वेव की इक्वेशन लिख के बताओ। मान लो मैं आपसे पूछता, देख